सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने प्ले स्टोर से किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं और जब आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो आपको ये एरर देखने को मिलता होगा, नो इंटरनेट कनेक्शन, मेक श्योर वाईफाई और मोबाइल डाटा इज टर्न आउट। यहाँ पर जो है अगर आपको ये एरर देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह से भी ये एरर आपको देखने को मिल सकता है और इस तरह से भी। अगर आपको ये एरर आ रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन, तो आपको करना क्या होगा, कैसे इस एरर को दूर करेंगे और कैसे आप जो है प्ले स्टोर को यूज़ कर पाएंगे और किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए जान लेते हैं हमें क्या करना होगा इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। सो गाइस, मेनली ये प्रॉब्लम आती है इंटरनेट की वजह से, तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सेटिंग में चले जाता हूँ। सेटिंग में आने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर दिख जाएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आप देख पाएंगे मेरे मोबाइल में अभी दो सिम है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर बारी बारी से दोनों सिम को यहाँ पर बंद करना है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो है इस सिम को मैं यहाँ से टर्न बंद कर देता हूँ, टर्न ऑफ कर दिया है। अब टर्न ऑफ करने के बाद जो है फिर से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। आपको काम करना है इसको फिर से ऑन कर देना और यहाँ से जो है आपको इस सेकेंड सिम को भी फिर से जो है बंद करके ऑन कर देना है। गाइस यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सिम बंद हो चुकी है और यहाँ पर ऊपर से नेटवर्क चला गया है वोडाफोन वाली सिम का, और यहाँ पर फिर से ऑन करेंगे तो इसका नेटवर्क जो है रिफ्रेश होकर आ जाएगा। आपको सबसे पहले ये काम कर लेना है, नेटवर्क को जो है ऑन ऑफ करके देख लेना है सिम को। इससे होगा कि आपके जो नेटवर्क्स होंगे वो रिफ्रेश होकर आ जाएंगे और आपका इंटरनेट चलने लगेगा। उसके बाद जो अगर ये सब करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो है आपका एयरप्लेन मोड जो होता है उसको ऑन कर लेना है, ऑफ कर लेना है। गाइज यहाँ पर एयरप्लेन मोड आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिसको हम फ्लाइट मोड बोलते हैं, इसको एक बार ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ऑफ कर देंगे और यहाँ पर जो है फिर से आपके नेटवर्क चले जाएंगे और रिफ्रेश होकर आ जाएंगे और ऐसे में आपका इंटरनेट चलने लग जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपकी इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है और आपको प्रॉब्लम फिर भी आ रही है, आपका इंटरनेट अच्छा खासा चल रहा है, तो आपको क्या करना है उसके लिए बता देता हूँ। आपको स्क्रॉल करके सेटिंग में नीचे आ जाना है और एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर डेट एंड टाइम पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखना है यहाँ पर आपका यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडर टाइम, ऑटोमेटिक टाइम जोन आपके मोबाइल में हो सकता है ऑटोमेटिक टाइम, तो उसको जो है आपको ऑन कर लेना है। अगर आपका टाइम और डेट गलत होगा तो आपको जो है यहाँ पर जो है नो इंटरनेट का यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा, तो ऐसे में आप जो है डेट एंड टाइम अपना सही कर लीजिएगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक पर ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सब करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो फाइनली आप जो है मेन सेटिंग में आइए और फिर से जो है यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर आप जो है ऐप्स पर क्लिक कर लीजिए और मैनेज ऐप्स पर आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा गाइज प्ले स्टोर, यहाँ पर मैं प्ले स्टोर सर्च कर लेता हूँ। प्ले स्टोर सर्च करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक काम करना होगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टोरेज पर क्लिक करिए, क्लियर डाटा पर क्लिक करिए और यहाँ पर इसका क्लियर कैच कर दीजिए। यहाँ पर इसका क्लियर कैच करने के बाद जो है बैक आ जाइए और यहाँ पर आप फोर स्टॉप देख सकते हैं, इसको फोर स्टॉप कर लीजिए। अब यहाँ पर जाने के बाद जो है आप इसको फ़ोन को जो है पावर बटन दबाइए और यहाँ पर रिबूट या रिस्टार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं तो आपका जो है फिर से चलने लग जाएगा, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका प्ले स्टोर अच्छे से काम करने लग जाएगा। आपको ये सभी सेटिंग्स कर लेनी है गाइज, और अगर आपका फिर भी काम ना बने तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए कोई और वीडियो लेकर आऊँगा। होप आपको सब कुछ समझ आ गया है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।